क्या किया तूने रोहित के साथ? जरूर तूने कोई उल्टी सुलटी बात कही होगी। राजू हॉस्पिटल में पहले ही मुसीबतों का बहुत बड़ा भंडार है, उसे और बढ़ाने की कोशिश मत कर। काट ली रोहित ने तेरी या फिर बेच आया है उसे? तेरे और रोहित के बीच में क्या हुआ तो इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया? आप बोल। बताएगा, सब कुछ बताएगा, लेकिन सिर्फ पुलिस। राजू देख, इतनी छोटी सी बात के लिए पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? ये छोटी सी बात हो गई? अरे अभी तक तो बहुत बड़ा बखेड़ा था ना, और ये पुलिस का नाम सुनने के बाद ये पसीना काहे को छूट रहला है तेरे को? लीटर के हिसाब से पसीना कहाँ? ओ ये तो गर्मी का पसीना है। गर्मी माथुर तेरा कुर्सी के नीचे है। ये जो अमृता का लफड़ा है ना, मतलब जो भी है वो प्राइमर स्टोव बन के तेरे कुर्सी के नीचे जल रहे है। देख देख देख, देख। फजूल की बातें करने की जरूरत नहीं। हे माथुर, तू भी येड़ा बन के पेड़ा मत खा। तेरा ये कुर्सी है ना जाने वाला है, मैं इस पे मटका लगा ला, 7 नंबर लंगड़ा मटका, मेरा साइड बिजनेस। अरे छोड़ना, मेन बिजनेस की बात कर। अमृता को लेके आने का है ऑपरेशन थिएटर में, दोबारा ट्राई मारूं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं। क्यों, मांडोली हो गया तेरा उसके घर वालों के साथ कि तू लफड़ा निपटा दिया? नहीं, अमृता की सेहत ठीक नहीं है, इसलिए प्रत्याश्रमी नहीं कर सकती। एक दीन बंधु, मैं इधर 25 साल से, क्या तू जब मेडिकल कॉलेज में था ना स्टूडेंट, तब वो तेरे सीनियर तेरे से शांत पट्टी करते होंगे, वो रैगिंग बोले तो माथुर नाच, टेबल पे खड़ा होके कैबरे कर, चल नाच, याद है ना? तब से मैं तो कौन सा येड़ा डॉक्टर ट्रैकियोस्टॉमी के लिए पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाता है? देखो राजू, कई बार पेशेंट को कोमा वाला पेशेंट, अरे गले में इतना सा छेद तो बनाने का है, और उसके लिए तू मेरे को उसके सेहत का बहाना बना के भूल दे रहे ना? अरे आजकल एक कॉलेज का लड़का लड़की लोग वो आंगठी हीरा कड़ा डालने के लिए इधर नाक में, कान में, इधर छाती में, जुबान पे, किधर भी छेद लगाता है, वो भी आराम से सामने बैठ के, और ये तो पेशेंट कोमा वाला है, बेहोश है। बता ना क्या किया? माताराम मातारी के साथ मांडोली हो गया, केस क्लोज। यूं समझ लो जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था वो खत्म हो गया। बोले तो मेरा पत्ता कट, तुझे तेरे पैसे मिल जाए, लेकिन ये पुलिस वुलिस का लफड़ा नहीं करना। देखो राजू, इस तरह हॉस्पिटल की बदनामी होती है, प्लीज। ठीक है, अपने को क्या आम खाने से मतलब है? गुठली का मुखवास तू बना दीन। और सुन, रोहित से तुम दूर रहोगे। और सुन, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे, गला घोट दूंगा मैं उसका, मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। प्लीज प्लीज काम डाउन, प्लीज काम। अरे क्या काम डाउन काम डाउन, कब से आप मुझे एक योगा इंस्ट्रक्टर की तरह इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं? काम डाउन काम डाउन, नहीं छोड़ूंगा, मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं छोड़ूंगा। अच्छी मुझे बात बताओ, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि अमृता के साथ राजू नहीं, आई मीन ही इज द कल्प्रिट? हाउ? अरे वही है डॉक्टर, वही है दैट फ्रस्ट्रेटेड रास्कल, उसने तो मुझे कितनी दफे धमकियां दी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मुझसे बदला लेने के लिए अमृता के साथ ऐसा कुछ करेगा। आई एम गोना किल हिम, मैं बता रहा हूं आपको, आई एम गोना किल दैट बास्टर्ड। छोड़ूंगा नहीं मैं, रोहित प्लीज लेट्स गो, प्लीज कम। पहले बहुत तमाशा हो चुका है, आईसीयू में हर आदमी से बात की चर्चा करना कि माजरा क्या है, अगर असलियत का उन्हें जरा भी पता लग गया तो मालूम है क्या होगा? तो क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? एक
खतरनाक अपराधी इस तरह खुलेआम हॉस्पिटल में घूम रहा है तो मैं देखता रहूं क्या? सहता रहूं मैं? ये सब नहीं होगा मुझे। रोहित, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम बहुत जज्बाती हो रहे हो। मैं मानता हूं कि राजू के पास इतनी गंदी हरकत करने की वजह थी, वो तुमसे बदला लेना चाहता था, लेकिन क्या सिर्फ इसी बिना पर बिना किसी सबूत के उसे अपराधी ठहराया जाना ठीक है? Anything is possible, Roy. अपराधी कोई भी हो सकता है। और तो यही तो मैं जानना चाहता हूँ, कौन है वो अपराधी? आप बताइए ना मुझे, बताइए, आप बताइए। महारानी को रंगे हाथ रात के 12:30 बजे घर आते हुए मैं पकड़ना चाहती थी और आप बत्ती जलाकर उसे चौंका देना चाहते थे। तो अंधेरे में 1 घंटा बोर होते हुए बैठे रहने से तो मैंने मैगजीन पढ़ना अच्छा समझा, तो एक हाथ में मैगजीन, एक हाथ में टॉर्च। इनको देखो, एक हाथ में बास्केट, मुंह में ताला और आंखों में घबराहट। क्यों? व्हाट रबिश, ना मेरे मुंह पे ताला है और ना ही आंखों में कोई घबराहट। देखो, और मैं किसी से क्यों डरूं? मैंने क्या किया है? क्या किया? तूने बेवकूफ बनाया हमको। ये तेरे दादाजी खैर वैसे पहले से ही है ही, लेकिन और नहीं तो क्या? इस झूठे ने क्या कहा? कॉलेज की पिकनिक है, मैं 9:30 तक आ जाऊंगी, आप सो जाइए, फिर फिक्र मत करना, इस सब पर विश्वास किया ना? अच्छा? मान लिया ना आपने? हाँ भाई, हाँ? हाँ? देखा, अगर हम सो गए होते तो सुबह ये क्या कहती? 9:30 बजे मैं आई थी लेकिन आप सो रहे थे, ये भी आप मान जाते? हाँ क्या दादी? मैं बस का टायर पंचर हो गया था इसलिए देर हो गई। अच्छा, तब तो ठीक है, टायर पंचर हो गया था तो आपका दिमाग पंचर हो गया है। बस वाले का नंबर बोलो, नंबर बोलो, बोलो ना। बस वाले का नंबर MMS 4812। नंबर प्लेट का नंबर नहीं, टेलीफोन नंबर पूछ रही हूँ मैं। बोलो। नंबर प्लेट का नंबर मालूम है, टेलीफोन नंबर नहीं मालूम है। बात कर रही हो सुभद्रा? अब गाड़ी के पीछे नंबर प्लेट का नंबर होगा, टेलीफोन नंबर कहाँ से होगा? हाँ वही तो। चुप कर। पिकनिक अरेंज तूने करवाई है ना, यही बैठकर टेलीफोन का बिल तू बढ़ा रही थी और तब जुबानी याद था नंबर, अब याद नहीं है? हाँ नंबर बोल। 8367608। 836-7608। दादी अभी नहीं कर रहा। क्यों? वो सो रहा होगा बस ड्राइवर। अब इतनी रात हो गई है, बस का ड्राइवर इतना बड़ा टायर चेंज किया है, मेहनत का काम है, थक गया होगा बेचारा। आप उसकी वकालत करेंगे ना तो कल से आपका बाहर जाना भी मैं बंद करवा दूंगी। सब बात है तो मैं इसकी वकालत करता हूँ। नहीं नहीं तो क्या? क्या क्या बोली, क्या बोली? हाँ जा, चल जा, सो जा, जा खाके सो। ये आवाज कहाँ से आई? तुमने भूखा? क्या कहा? अब भूखने की आवाज है। हाँ वही मैं पूछ रही हूँ ना, भूखने की आवाज कहाँ से आई? आवाज वो मैं भौंकी, मैं चिढ़ गई हूँ आप दोनों पर इसलिए मैं भौंकी। ऐसी आवाज नहीं थी। कैसी थी, कैसी थी? ये चूहे की आवाज होगी। हाँ चूहे मेरे ना, एक्चुअली हाँ मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, उसी की आवाज थी। ये अपना पेट बास्केट में रखकर कब से घूमने लगी तू? बास्केट दिखा। बास्केट में? हाँ दिखा देना बेटा। नहीं नहीं नहीं, दिखा दे, बास्केट दिखा दे, खोल दे बास्केट, खोल दे पहले। दादी
क्यूट है ना? कौन ये? मतलब तेरे पास कहाँ से आया? दादी माँ ये बेचारा बारिश में भीग रहा था पता है, और मैंने बहुत कोशिश की इसके माँ को ढूंढने की, इसकी माँ कहीं नहीं मिली। कांप रहा था बेचारा, बुरी तरह भूखा था, इसलिए मैं यहाँ इसके लिए आई। बेटे ओ ओ ओ मनमोहन देसाई की माँ, अब क्या इसे पाल पोस कर बड़ा करने का इरादा है तेरा? हाँ, इसका परिवार जब तक न मिले तब तक, यानी 20-22 साल तक। सुभद्रा, इन बेचारों की उम्र 14-15 साल से ज्यादा नहीं होती है। आप चुप रहिए, इसे बाहर छोड़ा इसी वक्त, अभी रात को। हाँ रात को, चाहिए तो मैं दूध रोटी देती हूँ, वो उसे खिला दे बाहर, और बाहर छोड़ा और तू अंदर आ जा। लेकिन दादी माँ, इस बात पर बहस नहीं होगी, छोड़ा जा बाहर, जा कहती है ना, जा। चलिए टॉमी से और बेड़िया लग जाती मुझसे। आप तो अपना ख्याल भी नहीं कर सकते, तो टॉमी का क्या करेंगे? माया लग गई। अरे वो तो जाती कॉलेज और मैं घर में बैठकर टॉमी टॉमी ये मत कर, टॉमी नो 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 टॉमी, इट इट टॉमी इट टॉमी, वो रोटी और मैं वो न्यूज़पेपर मत ही, ऐसे करते बैठ मुझसे नहीं होगा। और टॉमी आओ। अरे अम्मू वहाँ कहाँ है? अम्मू तो बाहर है, वो देखो। चलो अब बताता हूँ। अम्मू अरे पुकार रही तुझे, जवाब क्यों नहीं देती? टॉमी ने अभी जवाब दिया ना वहाँ। अब चुप कीजिए, ये दूध टॉमी को पिला, और टॉमी नहीं पिल्ले को पिला, और इसे छोड़ दे और तू अंदर चल चल। अरे जिद मत कर। जिद तो आप कर रही है, देखिए ना कैसा कांप रहे बेचारा सर्दी से। अमू ये एक रात दादी माँ रुक जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है? अरे जानवरों को सर्दी नहीं लगती, सर्दी गर्मी कुछ नहीं, आदत होती है उनको। जानवर? ये जानवर है? जानवर है ये? अरे जानवर का बच्चा है ये, मतलब जूनियर जानवर है। मैं इसे छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं नहीं अंदर आऊंगी। देखो एक शर्त पर अमू, कल सुबह ठीक है कल सुबह मैं वो टोनी अंकल है ना उनके पास पहुँचा दूंगी। हाँ। वो इसे एसपीसीए छोड़ाएंगे कल सुबह। ठीक है, सिर्फ कल सुबह तक। ओके, हाँ? अभी दूध पिला दे। ठीक है, आजा आजा टॉमी बेटा, सर्दी इसे लग जाएगी या आपको लग जाएगी? ना सर्दी आपको लग जाएगी, इसे नहीं लग जाएगी। आप अंदर चलिए, चलो ना। आजा आजा अंदर आजा अंदर आजा अंदर आजा 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 अंदर आजा। ओ दादाजी दादाजी आइए ना। अजीब बात है सुभद्रा ना, कुछ इंसान होते हैं जिन्हें जानवरों से कितना लगाव होता है, कितना प्रेम होता है, और कुछ इंसान जानवर से भी बदतर व्यवहार। देखो देखिए डॉक्टर गुप्ता, अब आप तो मुझे हौसला रखने के लिए मत कहिए, अब ये बताइए कि इस मसले का आप क्या करने वाले। मैंने ट्रस्टी से बात की है लेकिन वो पुना गए हैं अपने काम से, 10 दफा बता चुके हैं, लेकिन हमारे सब्र का भी अंत होने आया है, ये आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? सुभद्रा जी मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता, वरना क्यों नहीं ले सकते आप? डॉक्टर गुप्ता, जब अमृता का ऑपरेशन होना था तो आपने कहा अमृता अगर हमारी बेटी होती तो मैं तुरंत ही ऑपरेशन कर लेता। आज की स्थिति में आप ये क्यों नहीं बता सकते कि अमृता आपकी बेटी होती तो आप क्या करते? ये क्यों नहीं बताते हमें आप? उस वक्त मैंने एक डॉक्टर की हैसियत से बात की थी, एक बाप की हैसियत से मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है गोविंदराम जी, कि अगर मेरी बेटी के साथ इस तरह की कोई जरूरी हरकत किसी ने की होती तो मैं क्या करता। मरीज तो मेरे सैकड़ों हैं लेकिन औलाद मेरी एक भी नहीं।
मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसे में मुझे क्या कहना चाहिए। I'm feeling totally defeated, गोविंदा जी। आप defeated महसूस कर रहे हैं तो हमारी सोचो ना, हम क्या करें क्या न करें, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर आपने कहा आपकी औलाद नहीं है, मतलब आपकी शादी नहीं हुई या? जी, मेरी पत्नी का देहांत हुए 15 वर्ष हो चुके हैं। आप जाइए, I'm very sorry। ना तो कहे बाबू, कहाँ देखकर चल रहे थे? कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता तो? ऐसी मेरी किस्मत कहाँ? मैं कुचल के मर ही जाता, मैं मर जाना चाहता। देखो रोहित, जैसे ही ट्रस्टी साहब आएंगे हम तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे। नाउ योर प्लीज। नहीं, मैं यहीं पे इंतजार करूंगा। आई विल वेट हियर, आई हैव नो प्रॉब्लम। ये मेरा ऑफिस है, कोई वेटिंग रूम नहीं। देखिए डॉक्टर माथुर, आपका हॉस्पिटल क्या है, कितना सही कितना गलत, इस पर मैं यहाँ बहस करने के लिए नहीं आया हूँ। क्यों ढूंढ रहे हो इस हॉस्पिटल को बदनाम करने के लिए? बहाना? मंगेतर का बलात्कार हुआ है इस हॉस्पिटल में, जिसके आप डीन कहलाते हैं, और आपको ये बहाना लगता है? बहाना है ये? अगर ये हॉस्पिटल इतना ही बुरा है तो अपने पेशेंट को लेकर यहाँ से चले जाओ। गो। मैं चला जाऊंगा डॉक्टर माथुर, मैं अमृता को लेकर इस हॉस्पिटल से चला जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपके ट्रस्टी महोदय से मिलना चाहता हूँ। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अमृता के साथ कैसे इंसाफ करेंगे, कैसे पकड़ेंगे वो अमृता के गुनहगार को, जो इसी हॉस्पिटल में अभी घूम रहा है खुलेआम। कब आएंगे आपके पास? मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, यकीन मानो मेरा, कि हम गुनाहगार को पकड़कर सजा जरूर दिलवाएंगे। इस बात का यकीन आप नहीं, मैं दिलाता हूँ आप सबको। जिस दिन वो अपराधी मेरे हाथ लग गया वो उसका आखिरी दिन, और अगर आप उस अपराधी को जानते हैं तो मेरी ये चेतावनी उस तक जरूर पहुंचाएंगे। पागल हो तुम, इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो जो कुछ भी हुआ है उसमें हॉस्पिटल के किसी मेंबर का हाथ है? तो क्या कोई बाहर से आकर अमृता को? तुम भी तो हो रहे, सबसे ज्यादा वक्त तुम गुजारते हो अमृता के साथ। देख, रात, ये भी तो हो सकता है कि किसी नाजुक दौर में आकर तुम्हें, जिस तरह तुम चिल्ला चिल्ला कर हमें दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे हो, मुझे तो लगता है कि तुम अपना गुनाह छिपाने के लिए और दूसरों का ध्यान अपनी ओर से हटाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो। असल में गुनाहगार